माई अनदर ब्लॉग। अच्छा आप गल करांगे बेसमेंट टू इन ब्रम्पटन। यह मेरा बैडरूम है तो यह बेसमेंट रूम मैनू प्राइवेट बेसमेंट है जो कि मैंने सिर्फ $450 कॉस्ट करता है एवरी मंथ। अगर आप गल करिए स्टूडेंट्स की तो प्राइवेट जो आप घर लेंगे काफ़ी महंगे मिलते हैं अप्रोक्स $2000 के। तो स्टूडेंट्स लिए सब तो सस्ता बेसमेंट पैंदा है। तो जे तुसी बेसमेंट शेयरिंग पे लैंदे हो तो थोनू अराउंड $300-$325 ईच पेगा। पर जे तुसी प्राइवेट बेसमेंट लैंदे हो तो थोनू प्राइवेट बेसमेंट रूम वो थोनू अप्रोक्सीमेटली $400-$600 थोड़ा रेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि थोनू की लग्जरीज ते की फैसिलिटीज़ मिल रही है बेसमेंट थोड़े रूम दे विच। ते थोड़ा बेसमेंट डाउनटाउन विच है तो थोनू थोड़ा रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। जे थोड़ा सिटी तो थोड़ा जहा बाहर है तो थोनू काफ़ी सस्ता भी मिल सकता है। तो यह बेसमेंट मैं कितने बुक किया सीगा थोनू मैं डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक पा देना। तो जिन्होंने भी कैनेडा आना है या जो आने की तैयारी कर रहे हैं वो तुम उतों बुक कर सकते हो। तो वह वैबसाइट kijiji.com है। तुम उस वैबसाइट तो बेसमेंट तो जिदा कि अपने इंडिया में OLX होंगे उदा इतने kijiji ऐप चलती है उतो तुम बेसमेंट तो कोई भी सैकेंड हैंड आइटम तुम परचेज या सेल कर सकते हो। तो यह मेरा प्राइवेट रूम है। इस टाइम 9:05 हुए ने तो वैदर इस टाइम 9 degrees है ब्रम्पटन। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है थानू मतलब बेसमेंट रूम्स थोड़े छोटे ही होंगे ने। तो यह मेरा क्लोजेट है तो दो ड्रॉयर तो एक छोटा जा टेबल जो कि मैंने ओनर ने दिता है ये मेरा नहीं है। तो एक क्लोजेट भी ये सारा मतलब फर्निश्ड रूम मिलिया सीगा मैनू। तो ये मैं कुछ बाय नहीं किया हो सारे आ फर्नीचर वगैरह मैनू मेरे ओनर ने ही प्रोवाइड की थी। तो यह रूम के वेंटीलेशन सिस्टम भी है क्योंकि मेरा बैड बिल्कुल नीचे है ये वेंटीलेशन के तां मैं इसनों कवर करके रखे हुआ नहीं तो सर्दियों में टैंपरेचर मोर दैन -15 चले जाता तो वेंटीलेशन थोनों हरेक घर के लोड़ पेगी ही। पर जिन्होंने भी कैनेडा आना है उन्होंने अपने नाल जैकेट्स लैके आनिया पेगियाँ तो हुडीज़ जिदा कि तुम देख सकते हो मैं काफ़ी जैकेट्स कट्ठिया कीतियां हुई हैं क्योंकि इतने कुछ नहीं पता लगता कदों थोड़ी स्नो स्टार्ट हो जाए तो कदों वैदर नॉर्मल हो जाए सनी हो जाए तो थोनों एक जैकेट्स या हुडी तो एक कैप थानू एंड ग्लव्स थानू इतने चाहिए ही नहीं क्योंकि इतने कई बार विंड भी बहुत तेज़ चलती है जो बर्फ नहीं पैंती तो हवा ही काफ़ी तेज़ ठंडी। किचन आ गई इतने तुसी अपने कुकिंग कर सकते हो। तो इतने ओवन तो इंडक्शन दोनों कट्ठे ही ने ते इंडक्शन दे विच तुसी अपने कुकिंग कर सकते हो। तो तुसी जो भी अपने भांडे लैके आने हैं वह मेक श्योर यह करो कि वह इंडक्शन दे नाल कंपैटिबल होन। तो तुसी देख सकते हो कि मेरे पिछे एक माइक्रोवेव है जो कि थानू मोस्टली सारे बेसमेंट रूम च मिली जाती है। तो एक फ्रिज है तो वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर तो यह आ गया अपना सिंक। तो बाकी कुछ मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास मेरा बेसमेंट नहीं है क्योंकि जो मैं पे कर रहा अराउंड 450 इन्ने दे विच थोनों इदा दे ही बेसमेंट मिलते हैं। तो इतने मैं कल्ला नहीं रह रहा इतने मेरा अपना प्राइवेट रूम आ जाता है। तो मेरे दूसरी साइड पर एक होर स्टूडेंट्स भी रह रहे ने एक होर प्राइवेट रूम है। सो बेसिकली यह टू बैडरूम बेसमेंट हैगा है। तो उदा है लिविंग एरिया डाइनिंग टेबल तो किचन। तो यह आ गई अपनी वॉशिंग मशीन तो यह ड्रायर तो यह अपना छोटा जहा सिंक तो यह थानू बर्तन का स्टैंड तो थोड़े कपबोर्ड्स आ गए तो अपना मॉप तो फ्रिज भी मैनू उत्थे ओनर ने ही प्रोवाइड करवाई सी। तो
ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਰ ਪਲੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਟਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਮ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਫਰੋਡ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਾਲ 'ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਰੋਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਮ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਕਚੀਜੀ 'ਤੇ ਫਰੋਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਟੂਰ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ